मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो दर्शकों, ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता है। जो आपकी कुंडली में जो आपको परेशानी आती है, एक दो परेशानी, मैं हमेशा कहता हूं आप जुड़ जाइए ऋषि ज्योतिष से और व्हाट्सएप से या कॉमेंट्स में। आप कॉमेंट्स में बता देंगे तो सोने पर सुहागा होगा और मैं आपका वीडियो का, आपके उस परेशानी का, आपकी जन्म कुंडली का मैं आपको अवश्य वीडियो बनाऊंगा जब आपका नंबर आ जाएगा। तब मैं कुंडली में किसी का नाम नहीं लिखता हूं, स्थान नहीं लिखता हूं, आप जन्म तारीख से समझ जाते हैं अब वो आपकी कुंडली है। ये इस तरह से ये गुप्त भी है एक किस्म से। तो सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरा वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं, उसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण कुंडली पर विचार करने जा रहे हैं जिसमें मैं 5-6 बिंदुओं पर विचार करूंगा, लेकिन उन 5-6 बिंदुओं का मेन बिंदु 3 ही है। जातक का अच्छा विदेश योग है और अच्छा सम्मान है व्यवसाय और नौकरी में, अच्छा सम्मान है, मान है, सम्मान है, पैसे की कोई कमी नहीं, अच्छी आमदनी है, लेकिन कमी है तो कहां है दाम्पत्य सुख में, वो कि नरक तुल जीवन है। उस जातक ने हमसे प्रार्थना की कि गुरुजी मैंने बहुत से पंडित जियों को दिखा दिया, आपका वीडियो देखा तो सोचा मैं आपकी भी सलाह ले लूं आप क्या कहते हैं। मैं ना बोलते मैंने यूट्यूब में भी बहुत से संपर्क किया, मैंने अपॉइंटमेंट लेकर के संपर्क किया और स्थानीय अपने धर्म गुरुओं से भी मैंने विचार विमर्श किया। तो मैंने ये सोचा आज मैं आपका भी से आपसे भी विचार विमर्श करके मैं देखता हूं आखिर निचोड़ क्या निकलता है, क्यों है, क्या कारण है। दर्शकों ये ज्योतिष अथा सागर है और इसमें कोई पूर्ण नहीं है। अगर कोई आदमी या कोई ज्योतिष आचार्य पंडित जी अगर ये कहता है आज मैं सर्वज्ञानी है, ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं है, क्योंकि इसके लिमिटेशंस नहीं है, अथा ज्ञान की लिमिटेशन नहीं है, कोई भी अपने ज्ञान में पूरक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपना अनुभव और शास्त्र के अनुसार उस बालक का मैं मार्गदर्शन करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि मेरा एक एक शब्द कहीं ना कहीं शास्त्रों में या ज्योतिष के विद्वानों ने जो किताबें लिखी है उसमें दर्ज है और उन योगों को, उन चीजों को मैंने अनुभव में डाला है और उनका मैंने प्रभाव देखा है, और इसलिए मैं डंके की चोट पर ये कह सकता हूं अपने अनुभव के अनुसार से कि ये परेशानी इस तरह से है और इसका उपाय इस तरह से है। फल देने वाला प्रभु है, लेकिन मैं दोष और दोष का उपाय बताऊंगा और जो उसको प्रॉब्लम है दाम्पत्य जीवन में वो भी बताऊंगा और उसको विदेश योग कैसे मिलेगा। विदेश योग के कई योग होते हैं, कहीं चल लगन है, कहीं कुछ लगन है, कहीं कुछ लोग है, लेकिन एक साधारण तौर पर सोच लो कि जब भी जातक विदेश में जाता है तो वह घर से कट ऑफ हो जाता है, मतलब उसको घरेलू सुख यानी जन्म भूमि का सुख नहीं मिलता और कुटुंब से भी अलग हो जाता है। वो दोनों भाव अगर पीड़ित होंगे, पार्शियली पीड़ित होंगे तो आएगा जाएगा, परमानेंट पीड़िंग होते तो वहीं बच जाएगा, एक साधारण सी कहानी है। इसके अलावा भी और बहुत से योग हैं, ऐसा नहीं है कि यही योग है, और भी योग है। द्वादश भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी नवम्बर हो, तीर्थ भाव का स्वामी लगन को देखे, सब दुनिया भर के हैं, लेकिन इस कुंडली में मेन यही है कि द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव पीड़ित है, पाप ग्रह है। ये कोई भी कुंडली में अगर चतुर्थ भाव में पाप ग्रह होगा, पीड़ित होगा, चतुर्थ भाव की हानि होगी तो वो अपने जन्म स्थान से दूर, जिसको हम विदेश कहते हैं, वहां जाकर के उसको उन्नति होगी। ये उस जातक की भी देखेंगे। तो विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। 5-6 योग मैं जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा ताकि वीडियो की अवधि ना बढ़े। दर्शकों आज का वीडियो है एक अच्छा विदेश योग, व्यवसाय या नौकरी में अच्छी प्रतिष्ठा, नरक तुल जीवन, दाम्पत्य जीवन। जातक का जन्म 29 अगस्त 1988 कृष्ण पक्ष 3 उत्तरपाद भदा नक्षत्र 2 में हुआ। उसको जन्म के समय पर वृश्चिक लगन हो उदय हुआ, वृश्चिक लगन के 4 डिग्री विराजमान है। द्वितीय भाव में शनि 2 डिग्री लेकर 13 मिनट लेकर के धनु राशि में है और चतुर्थ भाव में राहु कुंभ राशि में 20 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में चंद्रमा
भाग्य भाव का स्वामी 8 डिग्री लेजमान है और लग्नेश मंगल पंचम भाव में 17 डिग्री लेजमान है। सप्तम भाव में गुरु 18 डिग्री लेकर के विराजमान है, गुरु पंचम भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी। अष्टम भाव में शुक्र, शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है, शुक्र को द्वादश भाव होने का दोष नहीं लगता, शुक्र सप्तमेश है और अष्टम भाव में है। दसम भाव में सूर्य अपनी राशि में 12 डिग्री लेकर के विराजमान है, वहीं पर केतु 20 डिग्री लेकर के विराजमान है। दर्शकों यहां पर कुछ ज्योतिष में एक समझने वाली चीज होती है, कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि में हो और वह उच्च राशि में हो और उसके साथ केतु हो तो वो केतु ध्वज का काम करता है और उसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है, डिपेंड करता है कौन सा भाव है। अब यहां पर साधारण तौर पर आप ये समझो उससे कई गुना पांचवा छठा सातवां मतलब एक ध्वज ऊंचाई पर ले जाता है उसको अधिकतर खींच करके, अगर स्वग्रह में और या उच्च राशि में हो तो और बढ़ा देता है। वहीं पर अगर उस ग्रह के साथ में केतु हो तो परेशानी देता है, और सूर्य के साथ यहां आप इस कुंडली में दसम भाव का स्वामी, दसवें सूर्य बनता है, दसम भाव में केतु है, साधारण तौर पर जब सूर्य के साथ केतु होगा तो कुंडली शापित गिनी जाती है। लेकिन अगर सूर्य अपनी राशि में होगा, उच्च राशि में होगा यानी बलवान होगा, तो वहां पर केतु ध्वज का काम करता है। तो ये थोड़ा सा हमारा अनुभव ये बताता है और शास्त्र ऐसा बताता है। तो दर्शकों एकादश भाव में बुध अपनी राशि में है, ये ग्रहों की स्थिति रही। जातक का जन्म सूर्य योग में हुआ, सबसे पहले यही चले जाए, और सूर्य योग के स्वामी सर्प होते हैं, जैसे गंधमूल का प्रभाव होता है ऐसे सूर्य योग का भी प्रभाव होता है। सूर्य मघा नक्षत्र में है और मघा नक्षत्र चंद्रमा नक्षत्र उत्तरपादभदा नक्षत्र से 12वां नक्षत्र पड़ता है, जो कि जन्म नक्षत्र से सूर्य की स्थिति 7वें नक्षत्र में हो, 12वें नक्षत्र में हो, 17वें नक्षत्र में हो, 22वें नक्षत्र में हो, 27वें नक्षत्र में हो, तो वह विवाह तय होने में परेशानी देता है और हो जाता है तो तलाक भी हो जाता है। तो वैनाशिक नक्षत्र जन्म नक्षत्र से, जन्म नक्षत्र उत्तरपादपदा है और 22वां नक्षत्र पुरुषाढ़ा बनता है, पुरुषाढ़ा के स्वामी शुक्र हैं, तो विनाशिक नक्षत्र का स्वामी शुक्र है और शुक्र कुंडली में विनाश करने वाला बना हुआ है। आगे थोड़ा सा प्रभाव देखते हैं क्या कहते हैं। दर्शकों वृश्चिक लगन वाले इनके स्वामी मंगलदेव हैं, इनका स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो सकता है, निर्दयी या क्रूर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जल तत्व राशि अनुशासन प्रिय होते हैं, ये किसी विपरीत बात को पचा नहीं सकते, भड़क जाते हैं, इनका जान पहचान का दायरा बहुत अच्छा होता है और लग्नेश पंचम भाव में है। किसी भी कुंडली में ये लगन, ये मैंने आपको आज पहले नहीं बताया, ये 12 भाव है, लगे लग्नेश का भाव है, द्वितीय भाव धनकुटुंब तृतीय पराक्रम चतुर्थ भाव भूमि मकान मूल पंचम भाव विद्या शिक्षा, ये सारे सप्तम भाव अष्टम और दसम भाव सम्मान का भाव है। तो लग्नेश अगर पंचम भाव में हो, पहली तो बात यह है लगन का स्वामी पंचम भाव का स्वामी या नवम भाव का स्वामी कोई भी कुंडली होने दो, वो आपस में मित्र होते हैं, ये एक कुंडली की रचना इसी तरह से बनी है। तो लग्नेश अगर पंचम भाव में हो, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विवेक संतान का भाव है, तो ऐसा जातक जरूरी बात है बहुत पढ़ा लिखा होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत समझदार होगा और क्षमाशील भी होगा, विद्या व्यसनी होगा, सत्कर्म करने वाला होगा, क्यों पंचम भाव अच्छा भाव है, दिमाग पर जोर देने वाला बुद्धि का भाव है, लोगों से उसको इतना प्यार होगा कि उनके काम के लिए अपने सुख का भी त्याग कर देगा अगर लगन का स्वामी पंचम भाव में हो, और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। लग्नेश छठे भाव का स्वामी है, छठा भाव रोह शत्रु का है, तो थोड़ा सा कमी भी करेगा वो इनका नैसर्गिक प्रभाव होता है, क्यों जो दो राशियों का स्वामी होता है तो, और हालांकि मंगल की मूल त्रिकोण राशि यहां पर है तो उससे भी संबंधित देगा, थोड़ी बहुत कमी देगी, वो तो एक नैसर्गिक बात हो, देगा ही देगा। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों सूर्य कुंडली में दसम भाव का स्वामी है और दसम भाव ऊंचाई पर ले जाने वाला है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सम्मान प्रति का भाव है, और दसम भाव का स्वामी सूर्य
अपनी राशि में है, साथ में केतु है, ध्वज का काम कर रहा है, सम्मान की कोई कमी नहीं, स्वराशि में इतना लाभ सम्मान की कोई कमी नहीं होगी, सुख और यश की प्रतिष्ठा मिलेगी क्योंकि केतु ध्वज का काम कर रहा है। परंतु सूर्य पंचम दृष्टि से शत्रु की राशि को देख रहा है, माता से मतभेद होगा, भूमि मकान जन्म स्थान का सुख नहीं मिलेगा, परंतु ऐसे जातक को मान सम्मान की कोई कमी नहीं रहेगी। यहां पर सूर्य चतुर्थ भाव को पीड़ित कर रहा है, चतुर्थ भाव में अशुभ प्रभाव दे रहा है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा भाग्य भाव का स्वामी है और नवम भाव में है, जल तत्व है, जल तत्व है और दोनों ही जल तत्व में आ गए। भागेश और लग्नेश की युति होगी, अच्छा भगवान हो गया, भागेश की युति होगी, अच्छा भगवान हो गया। और चंद्रमा जब पंचम भाव में आ जाता है तो यह भी एक विदेश योग का बन जाता है। और चंद्रमा नव भाव का स्वामी है, हमारे विद्वानों का मत यह रहता है कि अष्टम भाव समुद्र है, पहले समुद्र से विदेश जाते थे, और नव भाव अष्टम भाव से पार है, और नव से चतुर्थ विदेश का घर है, द्वादश भाव है। तो ये चंद्रमा लंबी यात्राओं का भी कारक है, भाग्य का भी कारक है, तीर्थ यात्राओं का भी कारक है, धर्म का भी कारक। जब विदेश की बात आते तो नव भाव लंबी यात्राओं का भी कारक है और मंगल के साथ में है, अच्छा विदेश योग होगा और भगवान होगा। यानी लग्नेश और भागेश की युति कहां, पंचम भाव में आ गई। और पंचम भाव तो बुद्धिमान का भाव, बुद्धि का भाव है, विवेक का भाव है, और पूर्व जन्म के वो कर्म है जो पिछले जन्म में हमारे अधूरे रह गए उसका काम है। और दूसरा चतुर्थ भाव का द्वितीय भाव है, और चतुर्थ भाव जनता का भाव है, तो द्वितीय भाव जो पंचम भाव है जनता का खजाने का भाव है, जनता के दूसरा भाव यानी जनता के धन का भाव है, सरकारी खजाना उसको कहा जाता है। क्योंकि जब हम लाते राजनीति में तो राजनीति में चतुर्थ भाव जनता का भाव है, और चतुर्थ से दूसरा पंचम जो आता है जनता का धन का भाव है यानी सरकारी खजाने का भाव है, वहां पर धर्म भाव का भी बैठा है और लगने से बैठा है। धार्मिक प्रवृत्ति से अच्छी बुद्धि से धन को कमाएगा, आप ऐसा सोच लो, और प्रोत्कारी होगा, बहुत ही अच्छा योग बना। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध अष्टम भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी, उच्च राशि में है, आमदनी की कोई कमी नहीं, आमदनी की कोई कमी नहीं, अच्छा आमदनी वाला देगा। अष्टमेश होने के बाद छोटी मोटी परेशानी आएगी, वो तो नवग्रह में से कोई ना कोई होगा। अगर नवग्रह में से एक भी कारक ग्रह अच्छा मिल जाता है तो बेड़ा पार आ जाता है। और इसमें तो नवग्रह में से तीन अच्छे मिल रहे हैं, तीन क्या, सभी जितने भी कारक ग्रह है सब अच्छे स्थान पर है, मैं अंतिम में बताऊंगा। अब बात करते गुरु की। दोस्तों, गुरु द्वितीय भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, सप्तम भाव में है और पंचम दृष्टि से देख रहा है। यहां पर गुरु पंचमेश है और सप्तम भाव का स्वामी है, प्यार का स्वामी है। यहां पर शत्रु राशि में है, थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, तलाक की स्थिति वाली बात नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव शुक्र की राशि है, सप्तम भाव पश्चिम का है, लग्न में बलि होता है, लेकिन पंचम दृष्टि से आमदनी के भाव को देख रहा, अच्छी आमदनी होगी, और लग्न को देख रहा है, प्रतिष्ठा सम्मान की कोई कमी नहीं होगी, गुरु देख रहा। शत्रु राशि में थोड़ा मनमुटाव, वो तो हर होता है, क्योंकि हमारे जो ग्रंथों की रचना जैसी हुई है कुंडली की, लगन से सप्तम शत्रु है, और देखिए जिंदगी भर उस शत्रु राशि के स्वामी को यानी पत्नी को प्यार मोहब्बत से लेकर चलना पड़ता है, लेकिन जब उसकी अशुभ स्थिति आ जाती है तो टकराव की स्थिति बन जाती है। तो गुरु का अच्छा था बताया। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र विनाशक नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, विनाश करने वाला शुक्र है, दाम्पत्य सुख देने वाला शुक्र है। दर्शकों, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र भोग विलास का कारक है, और पुरुष जाति के लिए विवाह का कारक भी शुक्र है, और दाम्पत्य सुख देने वाला चाहे पुरुष हो या कन्या हो, उन दोनों के लिए दाम्पत्य सुख देने वाला है। और शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है, सप्तम भाव भोग का स्थान है और अष्टम भाव गुप्त अंगों का स्थान है। सप्तम भाव भोग का स्थान है, द्वादश भाव भी भोग का स्थान है, और अष्टम भाव ज्योतिष की गणना है, ज्योति भाव के मुताबिक अष्टम भाव गुप्त अंगों का स्थान, सप्तमेश गुप्त अंगों के स्थान में बैठ गया, और सप्तमेश पर राहु का प्रभाव और मंगल का प्रभाव नरक तुल जीवन बन गया। अष्टम भाव तो किसका है, जातक का है, सप्तमेश शुक्र है, यानी दोनों का ही चरित्र कमजोर हो गया, और कटु वचन बोलने वाले उसका जीवन साथी होगा। जब शुक्र जब सप्तमेश अगर अष्टम भाव में पीड़ित है तो विवाह का सुख नहीं मिलता, पत्नी रोगिणी होती है,
दुष्टा होती है, कटु वचन बोलने वाली होती है और जातक की आज्ञा नहीं मांगती। यह बड़ी परेशानी है। इसका वर्णन हमारे महर्षि पराशर जी ने अपने ज्योतिष का जो ग्रंथ है पराशर होरा साथ उसमें अच्छा वर्णन किया। दूसरा, किसी भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो, अगर अष्टम भाव में शुक्र हो और पीड़ित हो तो ऐसे अनेक विवाह हो जाते हैं, कई विवाह बन जाते हैं। दरअसल यहां पर भी एक और मैं बात बता दूं, कई विवाह का मतलब होता है कि ज्योतिष शास्त्र पुराना है, पहले राजाओं महाराजाओं ने भी कई कई शादी करने की प्रथा चली आई थी, लेकिन ये ज्योतिष जो देश काल परिस्थिति के आधार पर चलता है, आज हमारे देश में एक ही विवाह है, उससे ज्यादा अधिक होने पर प्रतिबंध है, लेकिन अपना ग्रह प्रभाव दिखाता है। जहां पर अष्टम भाव में आपकी कुंडली किसी भी भाव की हो, अगर अष्टम भाव में शुक्र पीड़ित है, अष्टम भाव में शुक्र राहु और मंगल से पीड़ित है, शुक्र भोग विलास का कारक है, मंगल ऊर्जा है और राहु मायावी है, गलत रास्ते पर चलाने वाला है, तो ऐसे जातक के कई विवाह का योग बनता है। ज्योतिष शास्त्र पुराना है, लेकिन आधुनिक युग में कई विवाह ना होकर के संबंध भी हो सकते हैं, किसी से प्रेम लाभ भी हो सकता है, उसके कई रूप होते हैं जो हमारे विद्वानों ने अपना मत किया है। और ऐसे शुक्र ऐसे पत्नी की जातक के दुश्मन के साथ उठा बैठ हो सकती है, तो ऐसे जातक को देश काल परिस्थिति का ख्याल रखना चाहिए। योग अपनी जगह है, अगर देश काल परिस्थिति का ख्याल रखा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहां पर यह समस्या आ गई, नहीं ध्यान दिया। ऐसी स्थिति विवाह से पहले योगों का निवारण करना चाहिए। जब शुक्र राहु से भी पीड़ित है, शुक्र मंगल से भी पीड़ित है, और शुक्र तो कोमल ग्रह है, राहु मायावी है, गलत रास्ते पर चलाने वाला है, और मंगल ऊर्जा है, वो प्रोत्साहन देता है उसको, और अष्टम भाव गुप्त अंगों का सवाल है, तो यहां पर नेसेसरी जातक को भी परेशानी है, उसका भी चरित्र बल कमजोर होगा और जीवन साथी का भी होगा, और दाम्पत्य कलह का झगड़ा हो गया और तलाक हो गया। तो ये कारण है उसका तलाक होने का। दूसरा, तलाक होने का क्या कारण है? जन्म नक्षत्र से बारहवां नक्षत्र में सूर्य, जन्म नक्षत्र से उत्पादवां नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र मगा है। जब जन्म नक्षत्र से सूर्य की स्थिति सातवें नक्षत्र में हो, बारहवें में हो, सत्रहवें में, बाईसवें में, सत्ताईसवें में हो, तो ऐसे जातक के विवाह तय होने में परेशानी आती है, और हो भी गया तो तलाक होगा। तो जीव यानी शादी से पहले इनका निवारण कर लेना चाहिए। ये तीन योग मैंने आपको बता दिए, शुक्र अष्टम भाव में राहु और मंगल से पीड़ित है, और जन्म नक्षत्र से सूर्य की स्थिति बारहवें नक्षत्र में है, तो तलाक की स्थिति बन जाती है और हो गया, और दाम्पत्य नरक तुल जीवन बन गया। अब हमने उससे कहा था, अब हम तुम्हारा वीडियो बना करके मार्गदर्शन करेंगे, ताकि मेरे दर्शक सभी का मार्गदर्शन हो। उन्होंने जहां भी पूछा, जो बताया अपना ज्ञान का है, मैंने जो बताया मेरा अनुभव और मेरा ज्ञान है, और सारा सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों के आधार पर है ये। तो ये कारण रहे, जन्म नक्षत्र उत्पादपद है और बाईसवां नक्षत्र पुरुषाढ़ा है, पुरुषाढ़ा के स्वामी शुक्र है, यानी विनाश करने वाला शुक्र है, इस जातक का विनाश करने वाली पत्नी है, और शुक्र क्या है? सप्तमेश है। और जब देखो, इज्जत तो पत्नी ही बना सकती है और इज्जत पत्नी ही बिगाड़ सकती है। ये जरूरत है विवाह से पहले ग्रह दोष देखने की, इनका उपाय कर लेना चाहिए, और उपाय करके फिर अगर लड़की है तो कुंभ विवाह करे, लड़का है तो अर्क विवाह करे, और फिर छोड़ दे। लेकिन अब स्थिति में अगर दूसरे भी शादी करने जा रहे हो, जब तक इनका उपाय नहीं होगा तो शादी तो एक अलग बात है, जैसा मैंने बताया कि अनैतिक संबंध भी हो सकते हैं, तो अच्छा है दूसरी शादी करने से पहले अपनी कुंडली के दोष पूरा विदेश, मैं तो सिर्फ दो तीन लोगों पर बात कर रहा हूं, अच्छा विदेशियों को शायद नौकरी और नर्क तुल जाओ, और भी दोष हो सकते हैं, और भी योग हो सकते हैं, सभी का वीडियो बनाना संभव नहीं है। अपनी कुंडली का अच्छे योग से, अच्छे आचार्य से, अच्छे पंडित से कंप्लीट विश्लेषण करा करके, जो भी उसमें दोष है उन दोषों का उपाय करके दूसरी शादी करें, भगवान आपका जीवन सफल बनाएगा। दर्शकों, मैंने आज आपको बताया द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव पीड़ित, द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव पीड़ित, तो राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी शनि है तो द्वितीय भाव भी पीड़ित होगा, चतुर्थ भाव भी पीड़ित होगा, कुटुंब और जन्म स्थान का सुख नहीं, घर से दूर विदेश योग बन गया। दशम भाव का स्वामी दशम भाव में साथ में केतु ध्वज का काम कर रहा है, प्रतिष्ठा सम्मान की कोई कमी नहीं। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में राहु मंगल से पीड़ित, नरक तुल दाम्पत्य जीवन बता दे। जन्म नक्षत्र से बारहवां नक्षत्र सूर्य, विवाह तय होने में परेशानी, अगर हो भी गया तो तलाक, वो हो चुका। जन्म का योग शूल है और उसके स्वामी सर्प है,
गणमूल की तरह यह भी अशुभ माना जाता है, शांति करा देनी चाहिए। जन्म नक्षत्र उत्पादा से 2200 नक्षत्र पूर्वसाड़ा नक्षत्र है, पूर्वसाड़ा नक्षत्र विनाशकारी नक्षत्र है, उसके स्वामी शुक्र है, तो जातक का विनाश शुक्र ने कर दिया, शुक्र विनाशकारी है। जब तक इनकी शांति नहीं कराएगी जातक का दाम्पत्य सुख नहीं होगा। अभी तो है क्या 28-12-36 साल की तो आई है, उम्र तो पड़ी हुई है, पैसे की कोई कमी नहीं, इज्जत की कोई कमी नहीं, यश की कोई कमी नहीं, कमी है तो दाम्पत्य सुख की कमी है। मैंने शासनों के मुताबिक और वे योग जो मैंने आपको यहां पर लिस्टेड किए 5-6 योग, इनका मैंने शास्त्रों में वर्णन के हिसाब से और इनका प्रभाव के हिसाब से मैंने इन योगों को अपने जीवन में अपने प्रभाव में अपने अनुभव में उतारा है और उनका जो परिणाम मिला है वो मैंने आपके सामने व्यक्त किया है। मैंने इस नवयुग का कुंडली का विश्लेषण आपके सामने किया। अगर आप समझते हैं कि आपका मार्गदर्शन हो रहा है इससे, तो मैं ये कहूंगा मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। जैसा कि आपको पता है विश्व ज्योति नर्मदा जी के तट पे नजदीक है नर्मदा, यहां पर काल सर्दोष त्रिदोष की पूजा की जाती है जो इच्छुक समझ देता। ये तो सिर्फ एक टेलर है, एक दो पॉइंट है, कुंडली में तो सारे योग होते हैं जो कि मैं कवर नहीं कर सकता। जो पत्रिका लिखी जाती है उसमें सभी चीज कवर हो जाती है, सब दोष और उनका उपाय भी साथ साथ में होता है, जीवन भर उसका मार्गदर्शन हो जाता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। कन्या भाव के लिए गुण मिला बिना किसी शुल्क के भेजा जाता है, जरूरत है ऋषि ज्योति से जुड़ने की। मेरे फिर कहूंगा वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बनाकर आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।